सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता नहीम खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण एवं किसान परेशान। बिजली की आए दिन की जा रही है कटौती, दो दिन बिजली रहती है गुल। किसान और ग्रामीण अपनी समस्या लेकर बिजली अधिकारी को सुनाई समस्या, तो बिजली अधिकारी ने किसानों की समस्याएं ना सुनते हुए ग्रामीण और किसानों को थाना सुल्तानपुर में रिपोर्ट दर्ज कराने की दी धमकी। ग्रामीण दो दिन से अंधेरे में है, वही ग्रामीणों की समस्या सुनने की बजाय डाला जा रहा है बिजली अधिकारी द्वारा दबाव। नहीं मिल रहा ग्रामीण किसानों को बिजली सुविधा का लाभ, जिससे ग्रामीणों ने बिजली विभाग का किया घेराव। नहीं है बिजली की, बिजली रहती नहीं है साहब जी, आना जाना लगा रहता है। और संबंधित अधिकारी से बात करो तो उनका गोलमोल जवाब, उनके संपर्क ही नहीं हो पाता, मोबाइल बंद कर लेते हैं। और ज़्यादा करके जो लाइनमैन वगैरह जे ही है, इन्हें नीचे छोड़, अपने ऑपरेटर रख रखे हैं जी, 1000 2000 के, तो वो नशे की हालत में रहते हैं जी। तो फिर आप उसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जी। ठीक, हम लोग रात को 10 बजे 12 बजे तक भी प्रयास करते हैं, संबंधित लाइनमैन भी आते हैं और स्वयं मेरे द्वारा भी लाइन का रखरखाव और मेंटेनेंस किया जाता है। परंतु कभी कभी लाइनें ऐसी हो जाती हैं कि समझ से परे हो जाती हैं, रात समझ नहीं पाते बारिश की वजह से। इस वजह मजाक बनी जीवन रक्षक टीकाकरण। सुल्तानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर का मामला है। नवजात शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को अनेक बीमारियों से बचाव के लिए केंद्र द्वारा राज्य शासन की महत्वपूर्ण टीकाकरण योजना के लाभ से जनता को वंचित रखा जा रहा है। सरकारी अस्पताल सुल्तानपुर में पदस्थ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती शांति रेगबार और लापरवाही एवं मनमानी के चलते टीकाकरण के लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा है। जब हमने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक व्यास से जानकारी ली तो डॉक्टर का कहना है कि टीकाकरण का समय प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक रहता है। उक्त कर्मचारी कभी भी समय पर नहीं आती है, इस कारण से टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी जा चुकी है। इसका मुख्य कारण है टीका लग गया, अभी खा लगो मैडम, नहीं मैडम नहीं है, अभी तक नहीं आई है मैडम, अभी तक नहीं आ रही। सुबह 8 बजे वैसे सिस्टम आ जाना चाहिए और 9 बजे से शेड्यूल चालू कर देना चाहिए, शाम 4 बजे तक होता है, 9 से 4 हमारे यहाँ तो सर ये नर्स जो है कि यहाँ 11:30 और 12 के आसपास आती हैं और 2 बजे करीब चली जाती हैं। और जो कंसर्न लेने में उनके बारे में हम लोगों को भी ऐसी शिकायतें मिली हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने उनको भी बोला है और उच्च अधिकारी को भी, हम सबको भी हमने इसके बारे में सूचना दे दी है।